खबर है महाराजगंज से। जनपद के महाराजगंज के फरेदा थाना अंतर्गत महादेवा में अनियंत्रित होकर ऑटो टेम्पो पलट गई, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि अगर आरटीओ विभाग अधिकारी सक्रिय होते तो यह घटना सामने नहीं देखने को मिलती। यह ओवरलोड के कारण लापरवाही से बच्ची की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार फरेदा थाना क्षेत्र के महादेवा समरधीरा मार्ग पर शराब भट्टी के पास सवारियों से भरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 3 वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महाराजगंज से आशीष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये थाना फरेंदा क्षेत्र में आज प्रातः 9 बजे एक टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिसमें टेम्पो में सवार कुल 7 व्यक्ति घायल हो गए थे। घायलों में एक छोटी बच्ची थी 3 साल की, जिसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई है। बाकी का इलाज अभी सदर अस्पताल महाराजगंज में चल रहा है। इसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि घायलों का समुचित इलाज कराएं और जो भी घायल हैं उनके परिवारजनों को भी सूचित करें और इसमें आगे अग्रिम निकालें।